ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लुधियाना के लाडोवाल स्थित टोल प्लाजा की हैं। बता दें कि शनिवार देर रात लुधियाना के लाडोवाल स्थित टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा व मारपीट हुई है। दरअसल टोल टैक्स बंद करने को लेकर कपूरथला की एक परमानेंट लोक अदालत द्वारा बीते दिनों दिए गए आदेशों पर हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगने के बाद टोल टैक्स पर तैनात कर्मचारियों की ओर से दोबारा से टोल टैक्स वसूली शुरू कर दी गई है, जिसे अदा करने से ट्रक चालक इनकार कर रहे थे। इस दौरान ट्रक चालकों की ओर से टोल प्लाजा पर लगे बैरियर तक तोड़ दिए गए हैं। वहीं इस दौरान टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों व वाहन चालकों के बीच जमकर तकरार भी हुई है, जहां कुछ वाहन चालकों का आरोप था कि टोल टैक्स अदालत ने बंद कर दिया है और ये वसूली जबरन की जा रही है। वहीं टोल टैक्स के मैनेजर चंचल राज सिंह का कहना था कि अदालत ने टोल टैक्स बंद कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन देशों पर रोक लगा दी है। मैनेजर ने बताया कि ट्रक चालकों की ओर से टोल प्लाजा पर लगे बैरियर तक तोड़ दिए गए हैं। इस बारे में उनके द्वारा पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। सर, आज कोर्ट का स्टे आ गया था, जो पहले कोर्ट ने आदेश दिए थे कि टोल को फ्री करना है, उसके ऊपर हाईकोर्ट से आदेश स्टे आ गया था और इसकी वजह से गाड़ियों को रोक के उनसे पैसे कलेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन अभी कोई भी ट्रक पेमेंट देने को तैयार नहीं हो रहा है। सारी गाड़ियां फ्री जा रही है। यहां पे बहुत सारे झगड़े हुए हैं, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, पुलिस अभी पहुंच नहीं पाई है और लगभग सारी गाड़ियां अभी निकल गई है। सर, आदेश ये है कि अभी नेक्स्ट जो हियरिंग है तब तक इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कितने बजे ऑर्डर आया था? सर, लगभग 4 बजे के आसपास। सर, स्टे का मतलब यही होता है क्या? जो पुराने आदेश के ऊपर स्टे लगा दिया कि ये लागू नहीं किया जाए। पर आदेश ये भी है ना, सड़कों का निर्माण। सर, आदेश का कम्प्लायंस करने तक का जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए उनको कम्प्लायंस करना था, जो भी कोर्ट ने आदेश दिए थे वो सब लगभग कम्प्लीट हो चुके हैं और वो नेक्स्ट हियरिंग में उसको सभी को सबमिट कर दिया जाएगा, उस फाइल को। सर, 3 मिनट का रूल नहीं है। कोर्ट ने अपने एनएचआई ने अपनी साइट में क्लियर किया था, क्लियरिफिकेशन अपडेट किया था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि 3 मिनट का कोई रूल नहीं है और यहाँ पे एडिशनल लाइन बनने के बाद में ऐसी कोई समस्या आ भी नहीं रही थी, लेकिन जो कोर्ट के आदेश आने के बाद में अभी जो पैसा कलेक्शन करना स्टार्ट किया है उसके बाद में यहाँ पे लोगों ने पेमेंट देने से मना कर देते हैं। एक ट्रांजेक्शन जो कि 6 सेकंड में, उससे भी कम टाइम में हम कंप्लीट कर लेते हैं, उस ट्रांजेक्शन को करने में एक गाड़ी प्रोसेस करने में 5 से 10 मिनट का टाइम लग रहा है, क्योंकि हर बंदा हर यूजर आके उसे अपोज कर रहा है पेमेंट देने से, इसकी वजह से यहाँ पे टोल में जाम लग जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनको एक बैरियर तोड़े जाने की शिकायत मिली है, जिसकी उनके द्वारा जांच की जा रही है और उसके बाद मामले में बनती कार्रवाई की जाएगी। एक टोल प्लाजा दे इहे ना कुछ जड़ी अपने कोर्ट दा केस है, स्टे मिली है जानी के कहते भी असि पर्ची नहीं कटानी, इन्हां ने भी हुण स्टे लै लिया या कोर्ट ने देता है। पर हंगामा होया ते मारकुट हुई, बैरियर तोड़ते बैरियर तोड़े सारे। हां जी, ओ साडे तो पहला टुटे जी, सानू इन्फॉर्मेशन जिहड़ी आई हुण असि आए आ ते हुण असि गड्डियां कढ रहे उत्थे ही। हां, नहीं नहीं, ट्रैफिक तां करके ट्रैफिक हां जी जाम करके ते असि कढा रहे। ते हुण ट्रैफिक किन्ना कु कंट्रोल है? ट्रैफिक हुण कंट्रोल है जी, हुण अपने थाने तो भी नफरी आ गई आ, PCR वगैरा सारे सब ले। नुकसान कीता उहनां ते कारवाई होएगी? बिल्कुल जी, जरूर होगी। लुधियाना से जागृति लहर के लिए बलराज खन्ना की रिपोर्ट।